अभी मैंने नीचे वाला कमरा देखा, बहुत गंदा हो रहा है। जाहिर है होगा, किराएदार जब घर छोड़कर जाते हैं तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। आज संडे है, हम दोनों मिलकर उसको साफ कर देंगे। मैं कर लूंगी। तुमसे नहीं होगा, मतलब तुम अकेले नहीं कर सकोगी, बहुत गंदा है। मैं कर लूंगी अब्बा, आप ना काम कीजिए। पता नहीं किस हाल में होगा। किसकी बात कर रहे? हादी की बात कर रहा हूं। जाने को दिल नहीं कर रहा था उसका, परेशान था बहुत। आज तो नींद भी नहीं आई होगी उसको। जाहिर है ऐसा तो होता है, फौरन आप किसी दूसरे घर में एडजस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा वक्त लगता है। आपको उसका इतना दर्द क्यों है? ऐसा तो ना कहो, मेरी तो बहुत दोस्ती थी उसके साथ। इस घर में घर वालों की तरह रहता था, उसके होते हुए मुझे कभी डर नहीं लगा कि तुम घर में अकेली हो। ऐसे कुछ दिन तो याद आएगा। वो क्या है कि भूलने के लिए शुरू शुरू में ज्यादा याद करना पड़ता है। अब किसी इवेंट पे मुलाकात होगी उससे, तुम्हारी शादी पे या फिर उसकी शादी पे। जब यहां रहता था तो लगता था जैसे कभी छोड़ के जाना ही नहीं है उसने। वो इतना अच्छा नहीं है अब्बा कि उसे भुलाने के लिए उसको इतना याद करना पड़े। हाँ एक बात अच्छी है उसकी, झूठ नहीं बोलता, किसी का दिल रखने के लिए भी नहीं, और फिर दूसरे मर्दों की तरह गैरत के मामलों में ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है। गलती जैसी भी हो माफ कर देता है। मैंने एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। कहो। अब नीचे वाला कमरा किराए पर मत दीजिएगा, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है हमें। और ये बस वहम है आपका कि मैं घर में अकेली होती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अपने घर में कोई अकेला नहीं होता। खाना पकाने जा रही हूं, चाय वाय पीनी हो तो बता दीजिएगा।